को। पहला क्वेश्चन है, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, विलियम रुटो। ये हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। केन्या की बात करते हैं तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है नैरोबी और केन्या की करेंसी है केन्यन शिलिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के हाल ही में फ्रेंड्स नए सीईओ बने हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना हुई 2009 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मरीना तबस्सुम और मरीना तबस्सुम जो है ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखना है, इनको यह पुरस्कार उनकी अनूठी प्रथा वास्तुकला के आध्यात्मिक मूल सिद्धांतों और विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ से प्रेरित उनके काम समकालीन मुद्दों के लिए उन्हें दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसे मिला है, मरीना तबस्सुम को। नेक्स्ट है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, राजधानी है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है निकोला स्टर्जियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है मोहित बर्मन। तो फ्रेंड्स हाल ही में मोहित बर्मन जो है डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनी है। डाबर इंडिया लिमिटेड जो है ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसकी स्थापना 1884 में हुई, मुख्यालय है इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और इसके संस्थापक हैं एस के बर्मन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो सरकार है ये 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देगी। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है जिसमें सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है। ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे आसानी से वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है साइमन स्टील। ये हाल ही में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं जो कि हैं फिलिस्तीन और वेटिकन। अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारतीय रक्षा बल इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं अभी भारतीय रक्षा बल, तो लगभग 66% नागरिक के भरोसे के साथ ये सबसे भरोसेमंद स्थान रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरे नंबर पर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? तो पंजाब के संगरूर जिले में जो है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को शुरू किया गया है। ये जो पंजाब में देखिए इसे विकसित किया गया है तो 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ इसे विकसित किया गया। पहला ये कि धान की पराली और पराली जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है इस पर अंकुश लगाना। दूसरा लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स टोटल 11 जो हैं आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में हाल ही में शामिल करने की घोषणा की और ये घोषणा 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर की गई। अब टोटल जो रामसर स्थल हो गए हैं वो 75 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य की सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो फ्रेंड्स, पंजाब की सरकार ने जो है इस योजना को लागू किया है। अब देखिए, अभी तक क्या होता था कि हर कार्यालय की अलग अलग उन्हें पेंशन मिलती थी कि अगर वो किसी कार्यालय में नियुक्त हो गए, उसके बाद अगर वहाँ से दूसरे कार्यालय में नियुक्त हुए, तो मतलब हर कार्यालय की उनको पेंशन मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उन्हें एक ही जो है वो पेंशन मिलेगी। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, यूक्रेन जो है इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है। वहीं देखिए, डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में अगर हम भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो भारत इसमें रहा है फ्रेंड्स सातवें स्थान पर। पहले नंबर पर है यूक्रेन, दूसरे पर है रूस और तीसरे नंबर पर है वेनेजुएला। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? राइट आंसर है फ्रेंड्स, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को शुरू किया जाएगा। ये मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे जो सुरंग बनाई जाएगी उससे होकर निकलेगी। इस सुरंग की लंबाई होगी 10.8 किलोमीटर, जिसमें 520 मीटर जो है जो हिस्सा होगा वो पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LED लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया? सही आंसर है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इस लालटेन जिसका नाम है रोशनी, इसे विकसित किया गया है। ये एक ऐसा लैंप है देखिए जो समुद्र के नमकीन पानी से चलेगा, और समुद्र का पानी नहीं भी होगा तो सादे पानी में नमक डालकर भी इस LED बल्ब को जलाया जा सकता है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, गुरदीप सिंह रंधावा, ये जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली। भारत जो है वो इस लिस्ट में रहा है पहले स्थान पर। तो नई दिल्ली का जो औसत वार्षिक एक्सपोजर रहा वो है 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ये बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये रिपोर्ट दुनिया भर के 7,239 शहरों में 2010 से 2019 तक की अवधि के बीच प्रदूषण स्रोतों के विश्लेषण पर पूरी जो है रिपोर्ट ये आधारित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहले इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, तीन शीर्ष शहर की बात करें तो पहले पे दिल्ली भारत रहा, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखा गया, और दूसरे पे कोलकाता भारत, ये भी भारत में ही है। तीसरे पे है नाइजीरिया की शहर कानो। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? सही आंसर है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में ये जो पुल है वो बनाया जा रहा है। और कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है ये भी पूछ सकते हैं, तो चिनाब नदी पर। ये रेलवे पुल चिनाब नदी के जलस्तर से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य की सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना को शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, सिक्किम की सरकार ने जो है अम्मा योजना और वात्सल्य योजना, ये दोनों योजनाएं बेरोजगार महिलाओं के लिए शुरू की है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त तीनों संस्थानों ने LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, सेकंड है IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो इन तीनों संस्थानों ने 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को विकसित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये जो कप है ये मलेशिया में एक जगह है या मलेशिया का शहर है इपो। इस इपो में, इस शहर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 23वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, कोलकाता जो है इसकी मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य है समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा को बढ़ावा देना और भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। तो ये तीनों राज्य जो हैं डूरंड कप की मेजबानी कर रही हैं और डूरंड कप का जो इस बार का संस्करण है वो है 131। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स, मंडला, जो कि है मध्य प्रदेश में। ये भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का मतलब है कि अब मंडला जिले के सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा क्लेड। तो अब जो मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम है, अब इसे कहा जाता है, अब इसे क्लेड के नाम से जो है वो जाना जाएगा। जो मध्य अफ्रीका में पूर्व कांगो बेसिन क्लेड को क्लेड 1 बोलेंगे और पूर्व पश्चिम अफ्रीकी क्लेड को क्लेड 2 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, रियल मैड्रिड FC ने जो है UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में आइंट्राइंट फ्रैंकफर्ट को हराया। इसका आयोजन स्थल ध्यान रखना हेलसिंकी, फिनलैंड, और इसका संस्करण कौन सा था, ये 47वां। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की मदद करने के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया है? आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल जो है इसका शुभारंभ किया है। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, ऋषभ पंत, उत्तराखंड के ये नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके बाद है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य ने जो है इस पहल को शुरू किया है। तो उत्तराखंड के 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे कि बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। तो बच्चों को स्वच्छता के बारे में इस कार्यक्रम के तहत बताया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया। तो किस भारतीय सुरक्षा बल ने इसे शुरू किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने जो है इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो है 76वां, यानी हमारे भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और ये इस बार का जो था वो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स, रणवीर सिंह ने इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता। इस फेस्टिवल का आयोजन, जिसे कहेंगे हम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इसका आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अब कुछ और विजेताओं की बात करें तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली 83, जिसके निर्देशक हैं कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार और अपर्णा सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को मिला है उनकी फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है शेफाली शाह। सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज 26/11। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फ्रेंड्स किसे, कपिल देव जी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने करी है?
सही आंसर है फ्रेंड्स, भारत ने जो है इसकी मेजबानी की है और इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी ने की। इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस पोर्टल को असम की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह मिशन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, 2021 में जो है यह मिशन शुरू हुआ था, जिसे कहा गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। NIPAM की बात करें, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा मामलों में आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना और तोड़फोड़ और सीमा पार के कृत्यों से निपटने में सुरक्षा बल के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन सभी प्रयासों को पूरा करना। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, 107 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई। इसमें से 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 हैं शौर्य चक्र, 2 बार टूर सेना मेडल, 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायु सेना पदक जो हैं इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार देखिए महिला वर्ग के लिए अलग से टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ये इसका 4th संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2018 में कोलकाता में हुआ था। ओमिक्रॉन वेरियंट को टारगेट करने के लिए बाइवलेंट नामक कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स, ब्रिटेन जो है वो दुनिया का पहला देश बना है जिसने ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करने के लिए वाइब्लिन नामक कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दी है। बिवालेंट वैक्सीन को अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना के द्वारा बनाया गया है और ये वैक्सीन ब्रिटेन में जो वयस्क हैं उनके बूस्टर डोज के रूप में उनको लगाई जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पब्लिक सिस्टम लैब का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली यानी IIT नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के गुइलर्मो पाब्लो रियोस को जो है अपॉइंट किया गया है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसकी स्थापना जनवरी 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ये भारत की सेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच में किया जाएगा और आयोजन स्थल कौन सा रहेगा इसका? मलेशिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लिजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, शशि थरूर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, तमिलनाडु। तो अगस्त्यमलाई जो हाथी रिजर्व है ये तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 के शहर में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है?
तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय मिशन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेक इंडिया नंबर वन मिशन को शुरू किया है। ये मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों को फसल का दाम सुनिश्चित करने पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस रेखा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो फ्रेंड्स, आंसर है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद कंपनी ने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार रहा इसका 22वां संस्करण और इसकी थीम है इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने लकी बिल नामक एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स, केरल की सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है इसकी मेजबानी करेगा। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का पहले संस्करण की बात करें तो 2018 में मणिपुर में 12 विषयों के साथ में इसका पहला संस्करण जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के किस संस्थान ने अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो वर्चुअल संग्रहालय है इसे इसरो ने लॉन्च किया और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्पार्क की बात करते हैं तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय में एक इंटरेक्टिव इंटरफेस होगा जिसके माध्यम से जो उपयोगकर्ता है वो साइट के साथ में आसानी से बातचीत भी कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, सानिध्य शर्मा ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है मनाया जाता है। इस दिन देखिए हाथी को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। अगस्त 2022 में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गॉब मैकुला का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध था अमेरिका से। इसके बाद एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया और यहाँ पे इसकी थीम भी रखी गई री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपेरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डिकेड। अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी, किदांबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेंडी या मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? मास्टर कार्ड की स्थापना 1964 में हुई, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं माइकल मेबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो फ्रेंड्स, ये जो विमान है ये भारत के द्वारा श्रीलंका देश को सौंपा गया है। अमिताभ चौधरी जी का हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स, इनकी बात करते हैं तो ये झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव रहे, झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। तो फ्रेंड्स, इनका जो है वो अभी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? तो इनका हमें नाम बताना है। सही आंसर है फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी, और ये पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने
जो घर है उसको ब्लू ब्लैक सम्मान दिया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये घर इन्हीं का ही है। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 के दौरान लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। इसी के साथ यह पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद के मेंबर बने थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स राजकिरण राय। नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना 2021 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा, जो मंथन मंच है इसका शुभारंभ किया है भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो लोग प्रभावित हुए, जो लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में रहे, उन्हीं को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 2023 में जो है पहला महिला क्रिकेट आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। सेकंड है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स टोटल 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसमें वीरता के 347 पुलिस पदक थे, विशिष्ट सेवा के 87 राष्ट्रीय पुलिस पदक थे और सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक के साथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सबसे आगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, तो सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, इन सभी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है फ्रेंड्स बाबर आजम को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो ये निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स बात करें वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की, तो ये दिन 13 अगस्त को मनाया जाता है और फ्रेंड्स इसकी इस बार थीम भी रखी लेट्स प्लेस टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? हाल ही में फ्रेंड्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को जो है वो फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जो है निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया? तो ये जो अभियान है था ना फ्रेंड्स 13 से 15 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया जाना था। इसके बाद है फ्रेंड्स, इस अभियान का क्या उद्देश्य रहा? सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पशुओं को ढेलेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लुम्पी प्रोवैक नामक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया? तो फ्रेंड्स आंसर है उपयुक्त तो दोनों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है फ्रेंड, 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स किरोन पोलार्ड, क्योंकि फ्रेंड्स ये कौन से देश से हैं ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ से, और 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।